Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ और इसहाक डार अदालत के खिलाफ हर्जा सराई को लीड कर रहे हैं। शिकायत ना करना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जस्टिस अजमत सईद के पैनामा फैसले पर नजरसानी की दरखास्तों पर रिमार्क्स, मेरे केस में रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं थी। वकील इसहाक डार का मौकिफ, हुकूमत आपकी है, जो चाहे कानून में तरमीम करें। इंसाफ अंधा हो सकता है, जज नहीं। आपको ट्रायल कोर्ट में पूरा मौका मिलेगा। जस्टिस खोसा का जवाबी रिमार्क। बहुत से मुकदमात में अदालत रिपोर्ट तलब करके निगरानी करती है। मखसूस मुकदमे के लिए निगरान जज की कोई मिसाल नहीं मिलती। वकील नवाज शरीफ ख्वाजा हारिस के दलाए, शेख लियाकत हुसैन केस के बाद हर अदालत में मॉनिटरिंग जज होता है। जज करे या कोई दूसरा, लेकिन मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। तनख्वाह न लेने पर न अहली की कोई मिसाल नहीं मिलती, ऐसा हुक्म देना सुप्रीम कोर्ट की रिवायात के मुनाफी है। लीगी रहनुमा अनुषा रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शरीफ खानदान ने अदालती फैसले को तस्लीम किया। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट से मुतालिक नैब रेफरेंसेस समा के लिए मुकर्रर कर दिए। नवाज शरीफ, हसन हुसैन और मरियम नवाज के बाद दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 19 सितंबर को तलबी। जाहिद असासों से मुतालिक रेफरेंस में इसहाक डार को भी 19 सितंबर को ही पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी। अगर नैब इफेक्टिव होता जब ये स्कैंडल आया था, नैब खुद इन्वेस्टिगेशन करता और नैब खुद एक रेफरेंस बनाता, तो आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत ना पड़ती। शरीफ खानदान के खिलाफ एक्शन लेने वाले नैब के सरबराह ओपोजिशन की तनकीद का मरकज बन गए। खुर्शी शाह कहते हैं मौजूदा चेयरमैन नैब पहले दिन से ही मुतनाज़े रहे, हुकूमत को नए चेयरमैन के लिए जल्द नाम देंगे। सिराजुल हक ने चेयरमैन नैब की तकर्री का इख्तियार चीफ जस्टिस साहिबान को देने का मुतालबा कर दिया। नैब के चेयरमैन की तकर्री में अपोजिशन लीडर का हाथ होता है और वज़ीर आज़म का हाथ होता है, तो फिर ये कैसे दोनों मिलकर एक ऐसे आदमी की तकर्री पे जाएंगे जो इंसाफ करे, जो आदल करे, जो सालिस हो। परवेज इलाही, खुर्शीद शाह और एतजाज अहसन की मुलाकात, चेयरमैन नैब के लिए नामों पर गौर। NA 120 पर जिम्मी इंतखाब का मार्का, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की रैली रोकने के लिए अहकाम जारी कर दिए। ज़ाबता अख़लाक़ के मुताबिक कोई मुंतखब नुमाइंदा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, हल्के में इंतखाबी मुहिम तेज, तरक्याती काम भी जारी। साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हल्के में जो थोड़ी सी एक राबते का थोड़ा सा था, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम साहबा के आने से वो गैप खत्म हो गया। कारकुन बड़े पुरजोश हैं, हर जमात को हक है पार्टिसिपेट करने का, मगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये जीत हमारी होगी। वक्तन मुस्लिम एक नोन किया। गली गली बैनर्स, घर घर राबता मुहिम, वोटर्स की सपोर्टर के लिए रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स। NA 120 पर आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, शाम 5 बजे एंकर पर्सन इमरान सुल्तान और 8 बजे सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी देंगी हल्के की खबर, सिर्फ आज न्यूज पर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका का खित्ते से दाइश के खात्मे पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का भी इरादा। 6 रुकनी पाकिस्तानी वफद ने काबुल मुज़ाकरात में शिरकत की। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा चीन, ईरान और तुर्की कामयाब रहा। इन ममालिक ने तस्लीम किया कि इल्जाम तराशी से अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा नफीस ज़करिया की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम की मजम्मत की गई।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फाटा में कोई इख्तियार नहीं, फाटा के लिए कबायली या मुंतखब गवर्नर लाना होगा। महमूद अचकजई का फाटा इस्लाहात से मुतालिक मुनक़िदा APC से खिताब, कहा फाटा को हसास तरीन मसला समझता हूँ। फरतुल्ला बाबर ने कहा फाटा के मसाइल का वाहिद हल इंजमाम में है। पिशावर में मामले पर जमात इस्लामी का एहतजाज भी जारी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दौरा डेरा बुट्टी, कच्ची कैनाल का इफ्तिताह कर दिया, मंसूबे से बलूचिस्तान में पानी का मसला हल हो जाएगा। हम आवाम के मसाइल के हल पर तवज्जो दे रहे हैं, बहुत जल्द बलूचिस्तान मुल्क का अमीर तरीन सूबा होगा, वज़ीर आज़म का खिताब। चिन्योट में अताही डॉक्टर्स की जानिब से एक ही सिरिंज का मुबैना इस्तेमाल, 7 बच्चे एड्स के मर्ज में मुब्तला, मुतासर बच्चे लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। कराची के 9 मकामात पर पानी में पोलियो वायरस पाया गया, जिला शर्की में 12,000 से जायद वालदैन ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में इंकशाफ, पोलियो के तदारुक के लिए सख्त इकदाम करना होंगे, मुराद अली शाह की हिदायत।